नमस्कार दोस्तों, किसी शायर ने लिखा है कि वहाँ सलाम को आती है नंगे पांव बहार, वहाँ सलाम को आती है नंगे पांव बहार, खिले थे फूल जहाँ तेरे मुस्कुराने से। दोस्तों, मुस्कान एक ऐसा उपहार है जो इस धरती पर हम सभी को समान रूप से मिला है। कुछ लोग मुस्कुराने में कंजूसी करते हैं तो कुछ दिल खोल कर मुस्कुराकर जिंदगी का आनंद ले लेते हैं। मैं कुमार अभिषेक आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय है, खुश रहना है तो सिर्फ खुद के प्रति जवाबदेह बनिए, चार लोगों के प्रति नहीं। सुनते रहिए, धन्यवाद। दोस्तों, आजकल लोगों के पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी के पास पल भर की खुशी नहीं है। हर एक आदमी खुशी की तलाश में है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के को फाउंडर स्टीव वॉजनियाक ने अपने खुश रहने का राज दुनिया के सामने शेयर किया है। स्टीव वॉजनियाक का कहना है कि जिंदगी में खुश रहने के लिए पैसों से ज्यादा जिंदगी जीने का तरीका मायने रखता है। दरअसल वॉजनियाक से कैलिफोर्निया में एक कार्यक्रम के दौरान पूछा गया कि उनके हर वक्त मुस्कुराते रहने का क्या कारण है। इस पर स्टीव ने कहा कि अगर उनके पास इतनी दौलत ना भी होती तो भी वे हंसते ही रहते। उन्होंने कहा कि उन्होंने 20 साल की उम्र में ही खुश रहने का तरीका खोज लिया था, और ये तरीका है परेशानियों को खुद पर कभी हावी नहीं होने देना और हर वक्त खुश रहने के बहाने खोजना। जिंदगी में हमारी जवाबदेही सिर्फ एक आदमी के प्रति होनी चाहिए, खुद के प्रति। वॉजनियाक ने आगे बताया, मैं जब 20 साल का था तभी समझ में आ गया था कि जिंदगी में असली खुशी कैसे मिलेगी। इसके लिए मैं काम को दफ्तर से बाहर लेकर नहीं जाने वाला तरीका आजमाता था। आज तक अपने फोन में एप्पल का कोई ऐप डाउनलोड नहीं किया। जब हमारी कार पर कोई स्क्रैच लग जाता है तो क्या हम जिंदगी भर उसका गम मनाते रहते हैं? नहीं ना, हम जल्द से जल्द अपनी कार को ठीक कराते हैं और थोड़ी सावधानी के साथ वापस इसकी सवारी का आनंद लेने लगते हैं। जिंदगी भी इसी तरह चलती रहती है दोस्तों। मैं अगर अपने दोस्तों के साथ मजाक करूं, परिवार के साथ वक्त बिताऊं और आज मर जाऊं तो कोई मलाल नहीं रहेगा। मैं ये नहीं चाहता कि दोस्तों के साथ बैठकर फोन पर एप्पल के शेयर खरीदता बेचता रहूं या टेक्नोलॉजी के बारे में बातें करता रहूं। मैं आखिरी में कहूंगा कि कभी किसी से बहस मत करिए। शायद आपके तर्क खत्म हो जाए, लेकिन बहस कभी खत्म नहीं होती। हर बहस में एक पक्ष हमेशा हारता है। हार्टन ने कहा है कि मुस्कुराहट ये निःशुल्क चिकित्सा है दुख को भगाने की। योको कहते हैं कि प्रतिदिन सोने से उठकर दर्पण देखकर मुस्कुराए और अपने जीवन को खुशहाल बनाए। चार्ली चैपलिन कहते हैं कि तुम जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो तुम मुस्कुराते रहो, क्योंकि ये ईश्वर का दिया एक अनमोल उपहार है। दोस्तों, कभी कभी दूसरों के लिए बलिदान होती है खुशी। इस पर किसी शायर ने लिखा है कि अपनी खुशी से मुझे तेरी खुशी थी अजीज, तू भी मगर जाने क्यों मुझसे खफा हो गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये बात आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही कई जीवन उपयोगी बातों को लेकर फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए सुनते रहिए, धन्यवाद।